गाइस, अभी मेरे एक हरनिया पे वीडियो आया था फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे। उस पे सवाल पूछा गया और बड़ा अच्छा सवाल था कि हरनिया होता है एब्डोमिनल मसल्स के वॉल्स के वीकनेस के वजह से, तो बॉडी बिल्डर्स को जिनकी अच्छी खासी फिजिक है, अच्छे खासे एब्स हैं, उनको जब हरनिया होता है तो क्या उनके एब्डोमिनल वॉल्स, उनके मसल्स वीक होते हैं? क्या उनमें भी हर्निया उस वजह से होता है? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों। कपड़ा कितना भी स्ट्रांग हो, कपड़ा हो या कोई भी कितना भी स्ट्रांग चीज़ हो, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर बार बार लगाने से, गलत जगह पे प्रेशर बार बार लगाने से फट सकता है। सेम वे बॉडी बिल्डर्स के साथ होता है कि अगर बॉडी बिल्डर्स बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर लगा रहे हैं, खासकर वो कैसे करते हैं, वो बेल्ट लगाते हैं, बहुत टाइट लगाते हैं, और स्क्वाट्स मारते समय पेट टाइट करके सांस रोक के इतना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है कि स्ट्रांग से स्ट्रांग मसल्स भी उनकी फट सकती है, मसल्स के अंदर फेशिया फट सकता है, उनको हर्निया हो सकता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स के एब्स और बाकी कोर स्ट्रांग होने के बावजूद हैवीएस्ट वेट पे जाने के वजह से उनको हर्निया होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है मसल्स, इसका मतलब यह है कि जब मसल्स वीक होती है तो आसानी से फट सकती हैं और मसल्स के अंदर फेशिया फट सकता है, लेकिन अगर आपका बाकी दूसरे मसल्स ही नहीं फटती है, वहाँ पे पूरा टिश्यू फटता है, फाइबरस टिश्यू के अंदर गैप हो सकता है, मसल्स के अंदर फट सकता है, तो मसल्स गैप आ सकता है, तो हर्निया इज बिकॉज ऑफ अन एक तो एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस के वजह से और दूसरा अननेसेसरी प्रेशर लगाने की वजह से। सो फाइंड अ मेथड टू एक्सरसाइज इन विच यू डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर्स ऑन योर एब्डोमिनल वॉल। फॉर दैट यू कैन फॉलो माय चैनल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर लोकेशन। थैंक यू।